हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है तो वो कौन से टॉप 3 सेक्टर हैं जिसमें अच्छा खासा ग्रोथ है। इन तीनों सेक्टर को मैं डिटेल में समझाऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा जो मुझे पसंद आते हैं और जिसमें मैंने अच्छा खासा रिटर्न भी बनाया है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आए या कांग्रेस की गवर्नमेंट आए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है क्योंकि इंडिया में कंज्यूमर ज़्यादा हैं तो इसमें ग्रोथ होना तय है। आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाना है तो। मैंने जो पहला सेक्टर चुना है वो है डिफेंस सेक्टर। अगर किसी कंट्री को लीडर बनना है, किसी कंट्री को शो करना है कि वो स्ट्रांग है, तो उसको अपना डिफेंस सेक्टर मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं रसिया यूक्रेन की, अगर हम बात करें इसराइल और फिलिस्तीन की, तो इसमें इस वार में सबको अपनी मजबूती दिखानी है। तो हर एक कंट्री को डिफेंस सेक्टर मजबूत करना है। इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो है, पहला तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, दूसरा है हमारा कोच्चि शिपयार्ड, तीसरा मझगांव डॉक और चौथा जेन टेक्नोलॉजी। इसमें से जो मुझे पसंद है और जिस स्टॉक में मेरी पोजीशन है वो है जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी में मैंने अराउंड अभी तक 150% रिटर्न बनाया है पिछले एक सालों में। एज अ डिस्क्लेमर मैं बता दूं, आपको किसी भी स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर देना है, उसके लिए आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए कि यह स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। दूसरा सेक्टर जो मैंने चुना है रेलवे सेक्टर। इंडिया जो है, इंडिया के पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और अगर ट्रांसपोर्टेशन के हम कंपेयर करें अदर कंट्री की तो बहुत ज़्यादा भी ग्रोथ बाकी है, तो जो स्कोप है ग्रोथ का बहुत ज़्यादा है। जो रेलवे सेक्टर है उसमें ग्रोथ आना बाकी है, तो आप रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब रेलवे सेक्टर में मैं आपको बता दूँ कौन कौन से स्टॉक आते हैं रेलवे सेक्टर में। मैंने जो चुना है वो टीटागढ़ रेलवे है और दूसरा जुपिटर वैगन है, तीसरा इरकॉन इंटरनेशनल है और चौथा जो मेरा फेवरेट है आरबीएनएल। आरबीएनएल में मेरी पोजीशन है और इस स्टॉक ने मुझे अभी तक 200% का रिटर्न दे दिया है। तो जो कंस्ट्रक्शन होना है रेलवे के पटरियों का, रेलवे स्टेशन का, फ्लाईओवर का, जो भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होना है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है। अब आपको इन्वेस्ट अगर करना है रेलवे सेक्टर में तो आप रिसर्च कीजिए पहली बात, तब जाके आप इन्वेस्ट कीजिए। और तीसरा सेक्टर जो मैंने चुना है वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर जो है, किसी भी कंट्री को अगर स्ट्रांग शो करना है तो उसके पास उसकी बैंकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। पहला SBI है, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा कैनरा बैंक और चौथा PNB। और इसमें जो मेरा फेवरेट है बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है और अब तक बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझे 43% का रिटर्न दिया है। सोशल मीडिया पे और ब्रोकरेज रिपोर्ट में ये बहुत सारी कंपनियां कहती हैं कि आपको कौन से स्टॉक पिक करने हैं, बेस्ट स्टॉक बताती हैं। आप जब भी इन्वेस्ट करो तो सबसे पहले रिसर्च करो कि 5 सालों में वो कंपनी कहाँ पर जाएगी, कितना ग्रोथ करेगी, तो इस हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड मेंबर के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।